उमरा शहर में यूं मुद्दे तो काफ़ी गर्म होते जा रहे हैं, लेकिन एक जो मुद्दा है सिर्फ गरीबों के ऊपर अत्याचार करने का मुद्दा है, चाहे वो हॉकर्स की कार्रवाई हो या रिक्शे वालों को रोक करके कार्रवाई लेना हो। 1250 मांगा, मैंने बोला लाइसेंस रख ले, बाद में जब आएंगा जब दूंगा, अभी कमाई 1250 क्या, 500 कमाना दिन भर में मुश्किल है, 1250 दूंगा से। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। इस वक्त मैं मुमरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ और जिस तरीके से मैं आपको विजुअल में दिखा रहा हूँ, आज ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई ली जा रही है। ये आज के टाइम के हम नहीं बोल सकते, ये एक हफ्ते से कंटिन्यूसली कार्रवाई ली जा रही है। ये कार्रवाई इस वजह से ली जा रही है कि जो बैच जिनके पास नहीं है, जो बिना वर्दी के जो रिक्शा चालक अगर रिक्शा चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई ली जाती है। जैसा हम आपको बता दें, शुरुआती दौरों में मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 से 3 दिन पहले हमारी उन रिक्शा वालों से बात भी हुई थी इस कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारे रिक्शा चालक ऐसे भी है जिनका लाइफलाइन चालू होने के बाद से गुजर बसर थोड़ा सा बैलेंसिंग हुआ है और लेवर घर खर्च जो है वो अभी धीरे धीरे पटरी पर दौड़ा है। लेकिन हम बात कर ली जाए उन लोगों से जो लीगल तौर पर रिक्शा चलाते, अगर उन पर भी फाइन होता तो कहीं ना कहीं उन लोगों में भी नाराज़गी अपने आप में सही भी होती है। और दूसरी तरफ से देखा जाए, मुमरा शहर की बात कर ली जाए, मुमरा शहर में ज़्यादा संख्या में केवल रिक्शा ही चलती है क्योंकि यहाँ पर आमदनी के लिए और कोई सोर्स नहीं है। लेकिन बात कर ली जाए आज इस कार्रवाई को लेकर के, तो इस कार्रवाई को लेकर के जो अधिकारी है वो रोड पर हमें देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से कार्रवाई ली जा रही है, इसमें भी एक सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि लाइफलाइन चालू होने के बाद से 200-300 रुपया सिप पर जो रिक्शा चालक रिक्शा लेते हैं, अगर उन पर भी अचानक 1200-1300 रुपये का फाइन होगा तो वो अपना गुजर बसर कैसे कर पाएंगे। यहाँ हम सवाल वही पैदा करते कि कम से कम चोरी डकैती से तो अच्छा कुछ काम धंधा करके कमा रहे, तो उसमें भी एक अपने आप में सवाल होता है कि दोनों थिंकिंग के हिसाब से सही भी देखा जाए कि एक तरफ जो अवैध रूप से रिक्शा चालक है, अगर वो रिक्शा चलाते हैं तो अगर उन पर कार्रवाई होता है तो कोई सीमा और हिसाब से कार्रवाई होता है तो वो भी अपने आप में सही है। लेकिन जो लोग डेली बेस पर रिक्शा चलाने वाले हैं, जो लोग डेली यहाँ से वहाँ गुजर बसर करने के लिए रिक्शा चलाते हैं और रोज़ कुआँ खोदना रोज़ पानी पीना वाला हिसाब है, अगर उन लोगों को 500 रुपया 1000 रुपया अगर कमाते और वैसे में अगर 1200-1500 का वो फाइन देंगे तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस कोरोना की महामारी के बाद अपने आप में सब सेटल हुआ है, लेकिन सेटल होने के बाद अगर ये कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन सही है, प्रशासन को भी हम यही अपील के साथ ख़त्म करना चाहेंगे वीडियो को, कि जो कार्रवाई हो रही है उसको अच्छे से देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली बेस वाले हैं, लेकिन डेली बेस वालों को कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोग मुमरा शहर को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते कि यहाँ मुमरा शहर में लोग किस तरीके से आमदनी के लिए आगे आते हैं। और सीनियर पीआई की बात करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने शुरुआती दौरों में, मैंने आपको खबरें भी बताई कि जब से वो आए हैं अच्छा खासा डिसिप्लिन के साथ मुमरा शहर को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन वही कोशिशें अगर इस तरीके से कार्रवाई करके करेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो यही सवाल के साथ हम हमारी बात को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे एक रिक्शा वाले काफ़ी मायूस होकर के जा रहे, कितना कमाए थे और कितना फ़ाइन भरे? 1250 मांगा, मैंने बोला लाइसेंस रख ले, बाद में जब आएंगा जब दूंगा, अभी कमाई 1250 क्या, 500 कमाना दिन भर में मुश्किल है, 1250 दूंगा से, तो इसके लिए मैं बोला लाइसेंस रख लो भाई। अच्छा, जैसे आज के दिन से लाइफलाइन चालू हुई है मुंबई की लोकल, तो इसको देखते हुए धंधे को भी काफ़ी आप लोग भी खुश थे कि लाइफलाइन चालू होने से धंधे पर भी काफ़ी फ़र्क गिरे, लेकिन ऐसे में ये कार्रवाई कितने आपको लगता है कि हमारे रोज़गार पे फ़र्क गिर सकता है? बहुत फ़र्क पड़ेगा, अभी ये लाइसेंस नहीं रहेगा, कभी और नाकाबंदी पकड़ लिए या कुछ हो गया फिर वहाँ अलग भरो, तो ये तो जितना आना नहीं उससे ज़्यादा जाना हो गया। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नए न्यूज़ के साथ।